अखिलेश ने इरफान सोलंकी के लिए एक आईपीएस अधिकारी को निशाने पर लिया, योगी सरकार को घेर लिया। अखिलेश के निशाने पर 3 आईपीएस तो बीजेपी के निशाने पर अखिलेश राज के आईपीएस। अखिलेश ने योगी की पुलिस पर उठाया सवाल, बीजेपी ने अखिलेश के सवाल पर अपना जवाब दिया। कानपुर के सीसा मऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में बंद हैं। अखिलेश ने जेल में उनसे मुलाकात की थी, बात की थी, लगा था सरकार पर दबाव बनेगा, पुलिस अपने लिए फैसले पर सोचेगी, लगा था वो आईपीएस अब नरम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अखिलेश ने भी सोच लिया, जब तक इरफान सोलंकी समेत उनके विधायक और कार्यकर्ता जेल से बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक वो वार करते रहेंगे। इस बार भी अखिलेश ने सीएम योगी और उनके पुलिस के वो अधिकारी जो डेप्यूटेशन पर आए हैं उन पर निशाना साधा है। ट्वीट कर लिखा, यूपी में सुदूर दूर दराज से जो अधिकारी डेप्यूटेशन पर आए हैं उनका मकसद क्या प्रदेश को सरेआम लूटना ही है? जनता से जो लूटा जा रहा है उसका हिस्सा किस किस को जा रहा है? ऐसे अधिकारी पूरे देश में टीएचआर की पुलिस की छवि बिगाड़ रहे हैं, इनकी तुरंत जांच कर मूल राज्य में प्रदेश वापसी हो। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर वो कौन अधिकारी हैं जिनके लिए उन्होंने तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया? आखिर डेप्यूटेशन पर आए पुलिस अधिकारियों पर अखिलेश को तल्ख वार क्यों करना पड़ा? तो ऐसे में सवाल आपके जहन में आएंगे, अखिलेश डेप्यूटेशन पर आए पुलिस अधिकारियों पर वार कर सपा विधायक इरफान सोलंकी के पक्ष में कैसे बोल रहे हैं? इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, पूरी तरह से समझ जाएंगे अखिलेश किस तरह से इरफान सोलंकी के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूपी में मौजूदा समय में 3 आईपीएस अफसर डेप्यूटेशन पर हैं। आईपीएस आनंद प्रकाश तिवारी, उत्तर प्रदेश में दूसरे कैडर से प्रतिनियुक्ति पर आए 3 आईपीएस अफसर तैनात हैं, जिनमें से 2 आईपीएस अधिकारी फील्ड की पोस्टिंग पर हैं और 1 आईपीएस को साइड पोस्टिंग में रखा गया है। 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी असम कैडर के अफसर हैं और मौजूदा वक्त में कानपुर पुलिस कमिश्नर रेट में तैनात हैं। आईपीएस अफसर आनंद प्रकाश तिवारी कानपुर में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर का कामकाज देख रहे हैं। आनंद प्रकाश तिवारी कानपुर में कमिश्नर रेट व्यवस्था लागू होने के बाद से तैनात हैं। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर रहते हुए आनंद प्रकाश तिवारी ने कानपुर के नई सड़क पर हुए दंगों में लगभग 60 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वर्तमान में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हो रही गैंगस्टर एक्ट समेत 8 मुकदमों में कार्रवाई को भी आनंद प्रकाश तिवारी ही बतौर जेसीपी लॉ मॉनिटर कर रहे हैं। आईपीएस राजकरण नैयर, दूसरे अधिकारी जो फील्ड में तैनात हैं वो 2012 बैच के आईपीएस राजकरण नैयर हैं। राजकरण नैयर पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अफसर हैं। राजकरण नैयर की पत्नी सुजाता यूपी कैडर की ही आईपीएस हैं। राजकरण गोंडा जौनपुर में भी एसपी रह चुके हैं, इससे पहले यूपी एटीएस में भी तैनाती रही। वर्तमान में लंबे समय से राजकरण बलिया में पुलिस कप्तान हैं। आईपीएस राजकरण का सबसे पहले चर्चा में नाम बीते साल की बोर्ड परीक्षा में आया। मार्च 2022 में इंटर का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ तो बलिया पुलिस ने डीआईओएस बलिया समेत 47 लोगों को जेल भेजा, जिनमें 3 पत्रकार भी शामिल थे जिन्होंने पेपर लीक की सबसे पहले खबर लिखी थी। दूसरा मामला अवैध खनन की शिकायत पर आया, जिसमें विकास सिंह नामक एक व्यापारी से तत्कालीन एडिशनल एसपी विजय त्रिपाठी की नजदीकी के चलते गोपनीय जांच हुई और बलिया के एडिशनल एसपी विजय त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया गया। आईपीएस सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, तीसरे आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक के सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी हैं। सर्वश्रेष्ठ को योगी सरकार ने 1 साल पहले प्रयागराज का एसएसपी बनाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनको हटा दिया गया। डीआईजी रैंक के अफसर सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी वर्तमान में विजिलेंस में तैनात हैं। लंबे समय से विजिलेंस में तैनाती के चलते सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी अपने मूल कैडर आंध्र प्रदेश वापसी की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दूसरे राज्यों से डेप्यूटेशन पर आईपीएस अफसरों को लाने के लिए योगी सरकार पर तंज कसा है। हालांकि उनके तंज के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सपा विधायकों पर कार्रवाई से घबराए अखिलेश ने बचाव के लिए आईपीएस अफसरों को निशाने पर लिया है। सरकार के कार्यकाल के दौरान डेप्यूटेशन पर आए अफसरों को लेकर भी सवाल उठने लगे तो बीजेपी की ओर से जवाब आया। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने कहा, क्या अखिलेश यादव ये भूल गए कि वो महाराष्ट्र से लुटेरे आईपीएस अधिकारी को यूपी लाए थे? उसने कानपुर और लखनऊ में तैनाती के दौरान जमकर लूट खसोट की थी। जबकि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अपराधी फल फूल रहे थे बीजेपी उन पर शिकंजा कस रही है, इसकी वजह से अखिलेश घबराए हुए हैं।
दरअसल रामपुर में आसम खान के बाद कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हुई पुलिसिया कार्रवाई, इसके बाद अखिलेश यादव ने ऐसे ट्वीट किए हैं। अखिलेश इसलिए डेप्यूटेशन पर आए पुलिस अधिकारी पर निशाना साध रहे हैं। डेप्यूटेशन की व्यवस्था अधिकारियों की सुविधा के लिए बनाई गई है। डेप्यूटेशन के नियम के मुताबिक अधिकारी की सिफारिश पर केंद्र की अनुमति पर उन्हें मूल कैडर से निर्धारित समय के लिए दूसरे राज्य में भेजा जाता है। यह अवधि ज्यादा से ज्यादा 3 साल की होती है। नियम के अनुसार अगर पति और पत्नी दोनों प्रशासनिक अफसर हैं तो उनमें से उनका कैडर बदलकर उन्हें भी उसी राज्य में स्थायी तैनाती दी जा सकती है।